आके देखा था सही कबार, पर जानते नहीं है गे हक लेकर जाऊंगे, काले कानून वापस करके जाऊंगे, चाहे शहीदी पौड़ी पै जाए उस अकाल पुरख को याद करके शहीदियां पा जाऊंगे, पर जानते नहीं है सी। भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं, कैमरामैन को कहूंगा कि एक बार घुमा करके दिखाए जो तैयारियां कर रहे हैं किसान ट्रैक्टरों की परेड की। यह आप देख सकते हैं कितना जोश और कितना जुनून है किसानों के अंदर। यह आप देख सकते हैं हरियाणा पुलिस की तरफ से जो गाड़ियां आई हैं, हरियाणा पुलिस की तरफ से जो प्रबंध किए गए हैं, इन पत्थरों को हटाया जा रहा है। यह देख सकते हैं पंजाब की महिलाएं यहाँ पर आई, मातृशक्ति आई हुई है। पूछते हैं क्या कहना चाहेंगी इस आंदोलन को लेकर के। सबसे पहले तो सबको सत श्री अकाल जी, क्या कहना चाहेंगे आंदोलन को लेकर के? ना सारा कुछ मोदी का करा कराया तो पता ही है ना, भी सारा उन्होंने पीजे बर्गर दिख रहे, इन्हों एक साल नहीं दिख रहे, सड़कों के रूल नहीं दिख रहे है, इन्नी बारिश के बीच उन्होंने वो किता मोदी ने यह नहीं दिख रहा भी परमात्मा भी उन्होंने दिखाना चाहता भी यह है भी किसान इतने डटे रहन गए हटन गए नहीं चकूंगे पर मोदी नू दस के जाऊंगे भी तैं साडे गल दे विच जिहड़ा फाहा पाया इहनू तैनू कढ़णा ही पैणा हैगा, ठीक है कि ना। असी अपने भाइयां दे नाल साडियां बीबियां सारे बजुर्ग उरा बैठे आ, सारा पंजाब हरियाणा सारा देश खाली होया बस सड़कों पर बैठे, ये भी तो महिला में बैठ के देख सानू कहने पिकनिक मनाने हैं, कहती साड़ी पिकनिक आके देखे उड़े भी साड़िया पिकनिक का क्या हाल होया बस साढ़े न्याणे का, आके देखा था सही कबार, पर जानते नहीं है गे हक लेकर जाऊंगे, काले कानून वापस करके जाऊंगे, चाहे शहीदी पौड़ी पै जाए उस अकाल पुरख को याद करके शहीदियां पा जाऊंगे, पर जानते नहीं है सी। बिल्कुल, ये जुनून इन महिलाओं का, इन माताओं का, जो किसान की बेटियां हैं आज यहाँ के एमपी रोड के ऊपर आई, इनका कहना भाई मोदी सरकार को झुकाएंगे, हथियार भी नहीं लेंगे लेकिन फिर भी मोदी सरकार को झुकाएंगे। डरते नहीं होंगे, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, मोदी साडे हक, मोदी साडे हक। ये जुनून ये आप देख सकते हैं, मोदी सरकार फिर भी झुकने का नाम नहीं ले रही। माता जी क्या कहना चाहेंगे आप? झुकूगी कहते नहीं, झुकना पड़ेगा, कोई भी सरकार अज तक जिन्नी भी बनी है उन्हें झुकना पिया है पब्लिक अगे, हाँ पब्लिक असियो वोटा पावा के उन्हें बनाया है, वो बैठ गया हूँ निकला बाहर फिर पता लगता भी किदा बीबियां फिर दिया इन्हू खा जूंगा कच्चे नू देड़ के। बिल्कुल भाई देख सकते हैं मोदी जी सामने आ गए तो कचन खा जाएंगे, छड़ते नहीं है गए असि। ये पिकनिक कहता एक बार आके देखता लवे साडे बच्चों का हाल, जेडे खेत ट्रैक्टरां में चलते हैं जिदा काम करने नू लगे हुए साडे बच्चे जिन्होंने खेतों में खड़ना था, छड़ते नहीं है गए हक लेके जाऊंगे, ठीक है, और जब तक मर्जी बिठा रखा सानू असी जाते नहीं है ना असी जाने वाले। भाई भाई डौल पिछे लड़ लें तो साडी जमीन अफड़े पा रहे पर इन सुक्का नहीं असी जान देते हैं, एक गंदा कानून वापस लवे ना जाऊंगे। गुरु तेग बहादुर जी बस जी यही है भी अपने कानून वापस लवे, किसान साहब अपने घर नु जान, नहीं तो शहीदियां देने नु तैयार है, शहीदियां दवांगे। बिल्कुल भाई, इन महिलाओं का कहना है कि शहीदी देने के लिए भी तैयार है, ये काफिला है जो ट्रैक्टरों का काफिला है, ये जो छिंगू बॉर्डर से अभी टिकरी बॉर्डर की तरफ आ रहा है, यह तमाम तस्वीरें यहाँ पर आप देख सकते हैं। इनके अंदर जो जुनून, इन किसानों के अंदर जो जुनून, यह आप देखने के लायक है। यह आप देख सकते हैं इनका जो जुनून मोदी सरकार को झुकाने के लिए, जो इनका संघर्ष है, जो किसान जो कृषि कानून जो बनाए हैं भारत सरकार ने, उसको कमजोर करने का प्रयास, किसानों को कमजोर करने का प्रयास मोदी सरकार का, यह आप देख सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे भाई? वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ग्राउंड मीडिया के लिए मजा भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर।